नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री से मिलकर कर्मचारियों ने मांग की है, यानी कि केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो भी जानेंगे, और इसको साथ साथ वेतन आयोग और जो कोरोना काल में रुका आया डीए एरियर है उसकी मांग की है, और 50% जो डीए हुआ है उसको मूल वेतन में मर्ज करने की मांग की है। तो आइए बड़ी खबरें जानेंगे, लेट्स गो। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाना जारी रखा है। केंद्र सरकार के बजट पेश करने के पूर्व रविवार को पूर्व कर्मचारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर पुरानी पेंशन द्वारा लागू करने की मांग की। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी इपसेप ने राजधानी दिल्ली में एक बैठक कर पुरानी पेंशन पर नई रणनीति बनाने पर विचार किया। इसकी अगली बड़ी बैठक नवंबर में होगी, जिसमें ओपीएस को लेकर विस्तृत रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। इपसेप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में आज बीपी मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें 20 राज्यों के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार नई पेंशन व्यवस्था की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करे। इसके साथ ही स्थायी राष्ट्रीय पेंशन आयोग गठित करने, महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन पेंशन में शामिल करने, सरकारी क्षेत्र एवं स्वायत्त शासी निकायों में कार्यरत हर तरह के ठेका कर्मचारी को नियमित करने, हर तरह की ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, सभी केंद्रीय स्वायत्त शासी निकायों के कर्मचारी को 2014-15 से देय बोनस बकाया राशि समेत भुगतान करने की मांग की गई। इसके साथ ही कोरोना काल में मारे गए कर्मचारियों के एक आश्रित को 5% की सीमा से अलग अनुकंपा आधार पर बिना शर्त नियुक्ति प्रदान करने और कोरोना काल में अवैध रूप से रोके गए महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। इपसेप के 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर भेंट कर यह मांग की कि देशभर के कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय कराए। संगठन के अनुसार रक्षा मंत्री ने इन सभी पर मंत्रिपरिषद की बैठक में बेजोरदार पैरवी करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कर्मचारियों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण बनाकर उनकी मदद की है और करते रहेंगे।